ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसके अध्याय नंबर 6 ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य। तो ये प्रसंग चल रहा था लास्ट टाइम, हमने 2-3 दिन पहले चर्चा किया था कि अद्वैत आचार्य हालांकि भगवान महाविष्णु है लेकिन वो अपने आप को भगवान कृष्ण का दास ही समझते हैं हमेशा, और उसी में उनको जो दास सुख मिलता है को प्राप्त करने के लिए हमेशा भक्त रहते हैं। इनफैक्ट फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि भगवान के जितने भी भक्त हैं, जितने भी महान से महान भक्त हैं, सबके हृदय में भगवान के प्रति जो है दासत्व का ही भाव होता है, अपने आप को दास दास्या ही समझते हैं। फिर ब्रज के बारे में बता रहे हैं, कृष्णेर प्रेयसी ब्रज यत गोपीगण यार पद धूलि कर उद्धव। कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के जितने भी महान भक्त हैं और ब्रज के भी भक्त सबसे महान है, उसमें भी कृष्णेर प्रेयसी गोपीगण जितने भी हैं जिनके पद की धूलि उद्धव भी प्रार्थना करते हैं, यह सवार ऊपरे कृष्णेर प्रिय नहीं आन तहार आप ना के कर दासी अभिमान। ब्रज की गोपियों के ऊपर और कोई कृष्ण का प्रिय नहीं है, वो भी अपने आप को दासियां मानती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे सहजिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि ब्रज के गोपियों को तो छोड़िए, वैकुंठ के और इस भौतिक जगत के भी सबसे जो भक्तों की सबसे निम्न स्थिति में होते हैं वो अपने आप को डायरेक्ट कृष्ण का जो है प्रेयसी समझने लग जाते हैं। तो ये सहजिया प्रवृत्ति ना हो इसलिए इसको बहुत अच्छे से व्याख्या करने वाले कविराज गोस्वामी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब भागवत से प्रमाण देंगे, ये पहला श्लोक कोट कर रहे हैं भागवत से, गोपी गीत का ये श्लोक है। गोपियां जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके रासलीला से चले जाते हैं तो गोपियां कृष्ण के दर्शन को पुनः प्राप्त करने की आतुरता में बहुत सुंदर गीत गाती हैं और कृष्ण के बहुत सारे दिव्य गुणों का वर्णन करती हैं। तो उसी में से एक श्लोक में आता है, ब्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता भज सखे भव किंकरिस्मनो जलरुहाननम चारु दर्शया। तो ब्रज जनार्दिहन, ओ लॉर्ड रिमूवर ऑफ द एफ्लिक्शंस ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, ओ हीरो ऑफ ऑल वुमेन, ओ लॉर्ड हु डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ योर डिवोटीज बाय योर स्वीट जेंटल स्माइल, ओ फ्रेंड वी आर योर मेड सर्वेंट्स प्लीज फुलफिल अवर डिजायर्स एंड शो अस योर अट्रैक्टिव लोटस फेस। ब्रज जनार्ति, ब्रज जन के आरती मतलब दुख को हन नष्ट करने वाले, वीर योषिताम सभी स्त्रियों के एकमात्र हीरो, वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता अपने निज जन मतलब अपने भक्तों के स्मय यानी जो प्राइड है अहंकार है उसको भगवान ध्वंस नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट करते हैं? वज्र के प्रहार से नहीं, स्मिता, स्मिता मतलब अपनी सुंदर मुस्कुराहट को प्रकट करके नष्ट कर देते हैं। तो गोपियां मानो ये बोलना चाह रही हैं कि भगवान रासलीला में से गोपियों को छोड़ के गए, कारण था कि गोपियों को थोड़ा सा प्राइड हो गया था कि कृष्ण हमारे साथ हैं, क्योंकि जितनी भी करोड़ों गोपियां थी तो कृष्ण अपने आप को करोड़ों विस्तार कर लिए थे लेकिन कोई गोपी को ये पता नहीं था। हर गोपी को ये लगता था कि कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, तो हर किसी को ये थोड़ा प्राइड आ गया कि कृष्ण मैं एक स्पेशल गोपी हूँ कृष्ण की। उस प्राइड को नष्ट करने के लिए भगवान कुछ समय के लिए अदृश्य हो गए। तो गोपियां बोल रही हैं कि निज जन स्मय, अगर आपको लगता है कि हमारे हृदय में प्राइड आ गया था तो वो प्राइड आपके जाने से नष्ट नहीं होगा,
आपके सुंदर मुखमंडल में स्माइल देख के नष्ट होगा, उससे आप नष्ट करते हैं। भज सखे भवत किंकर इस्मनो, इसलिए भवत किंकर ये महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे कि हम आपकी किंकरी मतलब दासियां हैं, तो आप कृपा करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करिए। हमारी एकमात्र इच्छा है आपके चारु दर्शया जल रूहाननम चारु दर्शया, आपके एक अट्रैक्टिव लोटस लाइक फेस, लोटस फेस मुखमंडल, कमल सदृश मुखमंडल का हम वापस से दर्शन करना चाहते हैं। तो इस श्लोक में गोपियां अपने आप को कृष्ण का दासी बताती हैं। फिर आगे एक और श्लोक है जिसमें गोपियां, ये भागवत के दशम स्कंद के 47 नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोक है, जब उद्धव आते हैं सांत्वना देने के लिए गोपियों को भ्रमर गीत में, तो गोपियां ये श्लोक बोलती है। अपिबत मधुपुर्याम आर्य पुत्रो अधुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुम शगोपान क्वचित पीस कथाम नह किंकरीणाम गृणीते उजमगरु सुगंधम मूर्धन्य धास्य कदानु। तो इसमें गोपियां उद्धव को पूछ रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं कि अभी मधुपुर मथुरा में चले गए हैं कौन, आर्य पुत्र नंद बाबा के पुत्र, तो वहां पे जाकर के क्या वो कभी स्मरण करते हैं अपने माँ बाप का यशोदा नंद के बारे में, और जो पितृ गेहान उनके जो हाउसहोल्ड अफेयर्स हैं, कैसे गोचरण है, गाय हैं, और अपने सखाओं का स्मरण करते हैं अपने, और गोपों का स्मरण करते हैं क्या? और फिर लास्ट में बोल रहे हैं क्या वो कभी हमारे बारे में भी, हम न किंकरीणाम गृणीते, किंकरीणाम मतलब हम दासियों के बारे में कभी वो चर्चा करते हैं, ऐसे कुछ बात करते हैं क्या? तो भुजम अगुरु सुगंधम मूर्ध नधास्यत कदानु, और कब वो आएंगे और वापस से अपने हस्त कमल हमारे सिर में प्रदान करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से गोपियां उद्धव को भी जब लैमेंट कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कृष्ण के विरह में, तो अपने आप को किंग करीणाम या दासियां ही स्वीकार करते हैं। दास बार कथा रहो श्रीमती राधिका सबाहिते सकलांशे परम अधिका ते हो यार दासी है या सेवे न चरान यार प्रेम गुणे कृष्ण बद्ध नुक्षान। तो बाकी सबकी बात तो छोड़िए, बाकी गोपियों का तो कलेक्टिव रूप में दो श्लोक में बताया गया, यहाँ तक कि श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा रानी जो कि सकल अंश परम अधिका, जो हर तरीके से इन एवरी रिस्पेक्ट सभी से, सभी गोपियों में सबसे ज्यादा अधिक है, सर्वश्रेष्ठ है, सुंदरता में, गुणों में, कृष्ण को प्रसन्न करने में, सेवा के भाव में, विनम्रता में, और जितने भी गुण हैं, बुद्धि में, और बहुत सारे गुण हैं कुकिंग में, और ड्रेसिंग करने में, नाचने में, और भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। भागवत में भी इसका वर्णन है, अन्याराधितो नूनम, अन्याराधितो नूनम, एक वहां पे श्लोक आता है कि भागवत में एक यही एक जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, लेकिन राधा रानी के बारे में हिंट करते हैं सुखदेव गोस्वामी, बोलते हैं कि बाकी सभी गोपियों से जो अधिक हैं, अधिक मात्रा में या सर्वश्रेष्ठ मात्रा में जिन्होंने आराधना किया है उनको गोविंद लेकर चले गए हैं, ऐसा गोपियां बोलती हैं। तो वो श्रीमती राधा रानी तेहो यार दासी है या सेवे न चरण, जो भी वो श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण की दासी होकर के उनके चरण कमलों का सेवा करती हैं। यार प्रेमे गुणे कृष्ण बद्ध अनुक्षण, जिनके प्रेम के गुण समर्पण और सेवा के भाव और प्रेम के गुणों से कृष्ण हमेशा बद्ध रहते हैं, यानी बंधन में रहते हैं, तो वो श्रीमती राधा रानी भी क्या बोलते हैं सुनिए। ये भी भागवत के दशम स्कंद के 30 अध्याय के 39 नंबर श्लोक में, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्त कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। ओ माय लॉर्ड माय हस्बैंड ओ मोस्ट डियरली बेलेवर्ड ओ माइटी आर्म्ड लॉर्ड वेयर आर यू ओ माय फ्रेंड रिवील योर सेल्फ टू योर मेड सर्वेंट हु इज वेरी मच अग्रीव्ड बाय योर एब्सेंस। तो इस प्रकार से दास्यास बोल रही हैं श्रीमती राधा रानी कि दास्यास ते कृपणाया में कृपा करके, कृपणाया मतलब जो है बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो ऐसे अपने दासी
को वापस से दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी श्लोक में ये कृष्ण को अपने आप को स्वामी और अपने आप को दासी के रूप में स्वीकार करते हैं। This verse is quoted from Srimad Bhagavatam. When the Rasa dance was going on in full swing, Krishna left all the gopis and took only Srimati Radharani with him. At that time, all the gopis lamented, and Srimati Radharani, being proud of her position, requested Krishna to carry her wherever he liked. Then Krishna immediately disappeared from the scene, and Srimati Radharani began to lament. तो कृष्ण पहले तो सारी गोपियों को छोड़ के केवल श्रीमती राधा रानी को लेके जाते हैं और फिर श्रीमती राधा रानी को भी छोड़ देते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। सारी गोपियां जो है लेमेंट शोक करने लग जाते हैं। अभी ये प्रसंग चल रहा है तो एक बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहिए। भीष्म पितामह बताते हैं कि कृष्ण जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, परफेक्ट ब्रह्मचारी है। इसके लिए भीष्म पितामह ये कोडरास लीला को कोट करते हैं। भीष्म पितामह बताते हैं कि कृष्ण 100% प्योर ब्रह्मचारी। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि भीष्म पितामह खुद जो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे, लेकिन और कैसे, साधारण जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं तो वो घर बार को त्याग करके वन में रहते हैं, तब जाके कठिन तपस्या करते हैं और स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं, तब जाके वो ब्रह्मचर्य और सन्यास आश्रम का पालन कर पाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह आप सोच सकते हैं कि कितने श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होंगे कि वो राज घराने को छोड़े नहीं, वो रहते थे, रॉयल पैलेस में रहते थे और क्षत्रिय का जो धर्म है उसको पालन कर रहे थे, सारे कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से परफेक्ट जो है ब्रह्मचर्य का पालन किए। ये कोई भी साधारण सन्यासी भी नहीं कर सकता है, ये बहुत कठिन कार्य है जो भीष्म पितामह ने किया। अब वो भीष्म पितामह बोलते हैं कि कृष्ण के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। भीष्म पितामह बताते हैं क्योंकि रासलीला में इतनी करोड़ों गोपियों के बीच में कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं और सब गोपियां जो है लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हैं, उनके बीच में कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं विदाउट एनी अटैचमेंट, कोई आसक्ति नहीं, पूर्ण रूप से विरक्त होकर के छोड़ के चले जाते हैं। तो ये उदाहरण भीष्म पितामह देते हैं प्रूफ करने के लिए कि कृष्ण का जो रासलीला है जो साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो भी स्त्रियों के पीछे भागते हैं, तो उनको ये सूचना देने के लिए कि कृष्ण को आप साधारण मत समझो। ही आत्मा राम, आत्मा राम मतलब अपने आप में ही संतुष्ट है, उनको बाहर से किसी व्यक्ति वस्तु या संसार से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नाना अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम त्रिशुलेक नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिशुलोकेशु किंचन। गीता में भगवान इस बात को बताते हैं कि पूरे तीनों लोकों में मुझे कुछ प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मेरे को कुछ जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ उदाहरण आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान वर्णाश्रम धर्म का कर्म करते हैं और जो ब्रज में है ब्रज के भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं वो उनको आनंद देने के लिए। सो दिस वर्स इज कोटेड फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, जिसमें गोपियां लैमेंट कर रही हैं और अपने आप को कृष्ण के दासी के रूप में स्वीकार करते हैं। द्वारका ते रुक्मिण्या दीयते क महिषी तहां राव अपना के माने कृष्ण दासी। तो ब्रज की गोपियां अपने आप को कृष्ण का दासी मानती और द्वारका धाम में जितनी भी रानियां हैं क्वींस हैं हेडेड बाय रुक्मिणी, रुक्मिणी सर्वश्रेष्ठ रानी है, वो सब अपने आप को क्या समझते हैं, कृष्ण की दासियां समझते हैं। अब उनके मुख से भी सुनिए, ये भी भागवत से एक क्लोज ये कोट किया जा रहा है श्लोकों। चैत्याय मार्पयितुम् उद्यत कर्मु कार्मुकेषु राजसु अजेय भट शेखरीतांग्रि रेणु निन्ने मृगेन्द्रैव भागम् अजाभियूथात् तश्रीनिकेत चरणोऽस्तु ममार्चनाय तश्रीनिकेत चरणो। यहाँ पे रुक्मिणी माता क्या बोल रही हैं कि श्रीनिकेत, भगवान कृष्ण का एक नाम है श्रीनिकेत, उनके चरणों अस्तु मम अर्चनाया, कि उनके चरण कमलों में मैं हमेशा पूजा करना चाहती हूँ, उनका सेवा करना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। सो व्हेन जरासंध एंड अदर किंग्स बॉज एंड एरोस अप्रेस्ड स्टूड रेडी टू डिलीवर मी इन चैरिटी टू शिशुपाल ही फोर्सिबली टुक मी फ्रॉम देयर मिड्स्ट एज अ लायन टेक्स इट्स शेयर ऑफ गोट्स एंड शीप। The dust of his lotus feet is therefore the crown of unconquerable soldiers. May those lotus feet, which are the shelter of the goddess of fortune, be the object of my worship. तो माता रुक्मणी को जब पूछा था, जब ये गए थे सारी रानियां 16,108 रानियां कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, कुरुक्षेत्र में जब एक्लिप्स
क्या बोलते कौन सा चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगा था तो सब लोग गए थे। तो वहां पे माता द्रौपदी, पांडवों की पत्नी माता द्रौपदी ने पूछा श्री कृष्ण की सभी रानियों से कि आप बताइए कि कृष्ण ने आपका आपके साथ किस किस प्रकार से विवाह किया। तो एक एक करके सभी रानियां बताती हैं कि इस तरह से कृष्ण ने हमसे विवाह किया था। और उस दौरान सारी रानियां अपने अलग अलग इंसिडेंट्स को तो बताती हैं और उसके बाद बताती हैं कि हम कृष्ण की दासी बन के रहना चाहते हैं। तो रुक्मणी माता सबसे पहले बोलती हैं और बताती हैं कि बहुत सारे जरासंध, शिशुपाल आदि, दंतवक्र आदि बहुत सारे राजा लोग आए थे मेरे मेरा हाथ पाने के लिए, लेकिन सबके बीचों बीच में से कृष्ण अकेले आए और फोर्सिवली जो है मुझे किडनैप करके लेके गए। ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण जो कि श्रीनिकेतन है, लक्ष्मी के आश्रय हैं, वो उनके चरण कमल ही एकमात्र मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ माय वर्शिप रहे, यानी एकमात्र उनके चरण कमलों की सेवा ही मैं करना चाहती हूँ दासी बन के। तो इस भाव को रुक्मणी माता प्रकट करती। फिर आगे अब नेक्स्ट वर्स में जो है कालिंदी माता बोल रही है ये श्लोक। कालिंदी यानी यमुना, कालिंदी माता को कृष्ण कैसे मिले पति के रूप में। तपश्चरंतिम आज्ञाया स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योपेताग्रचीत पाणिम साहम तद्ग्रह मार्जिनी। ग्रह मार्जिनी बोल रहे हैं, ग्रह मार्जिनी। हाँ, कि ग्रह मार्जिनी मतलब जो दासी घर का साफ सफाई करती है, अपने आप को वैसा समझ रही है माता कालिंदी, यमुना माता। सोचिए, Knowing me to be performing austerities with the desire to touch his feet, he came with his friend Arjuna and accepted my hand. Yet I am but a maid servant engaged in sweeping the floor of the house of Sri Krishna. तो माता कालिंदी जो है बहुत लंबे समय से austerity तपस्या कर रही थी, विवाह नहीं करना चाहती थी किसी से भी। वो तपस्या केवल इसलिए कर रही थी कि मैं के पति के रूप में केवल और केवल कृष्ण को चाहती हूँ। तो जब तपस्या करके पूरी तरह से योग्य हो गई तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ एक बार भ्रमण करते हुए यमुना के तट पे आए और भगवान दूर से देखे ये कौन है नवयुवती इधर जो है जंगल में अकेले घूम रही है। अर्जुन जाओ पता करो, भगवान को तो सब पता है। अर्जुन जाते हैं, पूछते हैं देवी आप कौन है, आप यहाँ पे क्यों ऐसे ही भ्रमण कर रही हैं अकेले। तो फिर देवी ये सब कुछ परिचय देती है कि मैं कालिंदी हूँ, हाँ कालिंदी, और मैं कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो अर्जुन बताते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण बोलते हैं ओके ओके आपकी तपस्या कंप्लीट, कम ऑन सिट सिट ऑन द रथ, और रथ में बैठा के ले आते हैं और विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कालिंदी माता का भाव है, वो बोल रही है कि हालांकि कृष्ण बड़े दयालु हैं, मुझे उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन बट आई एम अ मेड सर्वेंट, मैं उनकी एक दासी हूँ, उनके घर में साफ सफाई करने वाली, ये भाव है। लाइक द प्रीवियस वर्स दिस वर्स अपीयर्स इन श्रीमद भागवतम 10.83.11 in connection with the meeting of the family ladies of the Kuru and Yadu dynasties at Samanta Panchak Kurukshetra. At the time of that meeting, the queen of Krishna named Kalindi spoke to Draupadi in this way. Kalindi Mata is prakar se bolte hain. Ab aage jo hai, we have become ye shlok Lakshmana, Krishna ki ek next jo wife hai, Lakshmana ki dwara bola ja raha hai. Atma Ramasya तस्म वयम वै ग्रह दासिका सर्वसंग निवृत्त्याद्धा तपसा च बहु बभूव विमा। थ्रू ऑस्टेरिटी एंड थ्रू रिनन्सिएशन ऑफ ऑल अटैचमेंट्स वी हैव बिकम मेड सर्वेंट्स इन द होम ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पे वही चीज आ गई, आत्मा रामस्य तस्य इमा, कि आत्मा राम कृष्ण हमारे जो पति हैं वो आत्मा राम है, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनको हमारी आवश्यकता नहीं है। तो उनको हमने प्राप्त किया है अपने स्वामी के रूप में और हम उनकी दासी बन गए, उनके घर में हम दासी बन गए हैं। कैसे? दिव्य तपस्या करके, उनकी भक्ति करके, और इस संसार से पूर्ण रूप से विरक्ति को प्राप्त करने के पश्चात ही हमको वो हमारे स्वामी के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मणा बोल रहे हैं, लक्ष्मणा। तो इस प्रकार से ये वर्णन है, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि कृष्ण के जो भक्त हैं वो हर कैटेगरी के भक्त हैं, अपने आप को केवल कृष्ण के दास दासी के रूप में ही स्वीकार करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम लोग मीटिंग करना है। प्रभु जी, एक चीज पूछना था, जैसे आपने अंत में बताया कि जो भी रिलेशनशिप अभी तक आपने बताई कृष्ण भगवान के, वो सब उनको दासी के रूप में मतलब
भक्त मतलब भगवान के दासी रूप में वो स्वीकार करते हैं खुद को, तो राधा रानी जी का भाव किस तरह से मानना चाहिए कृष्ण जी के लिए? हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी का भी तो हमने पढ़ा ना, राधा रानी भी तो बोल रही है अपने आप को कृष्ण का दासी ही समझती होगी, उस श्लोक हमने पढ़ा तो था भागवत से कि कृष्ण मथुरा में चले गए। यस, वाक्य में सारे जितने भी कृष्ण के भक्त हैं, चाहे राधा रानी से लेकर के जितने भी अन्य भक्त हैं, सब अपने आप को कृष्ण का दास दासी ही समझते हैं। बस अब अंतर यह होता है कि जो जितना ज्यादा गहराई से ये भाव है कि हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, जितनी ज्यादा इंटीमेसी हो जाती है, जितना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है संबंध, तो वही दास दासी जो है जब ज्यादा गहरा होता है तो सखा के रूप में हो जाते हैं, फिर और गहरा होता है तो पिता माता के रूप में बन जाते हैं, और सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा गहरा होता है तो माधुर रस में गोपियां और रानियां बन जाते हैं, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ मात्रा में श्रीमती राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति दासी का भाव है। यस शिल्पा माता जी, थैंक यू। चार भगवान चार महीने योग निद्रा वाला है क्या? वृंदावन बोल रहे हैं कि निद्रा विष्णु। अच्छा, अभी जो शयन एकादशी से आए। ओके ओके, ठीक है, समझ गए। तो एक्चुअली ये देवताओं का जो ईयर है हमारे एक उनके एक दिन में हमारा एक साल हो जाता है, तो ये देवताओं का भी जो है रात्रि स्टार्ट हो गया है, अब वो 8 घंटे के लिए जो है विश्राम करने वाले, तो इसलिए न केवल भगवान विष्णु बल्कि सभी देवी देवता लोग भी विश्राम की स्थिति में जाते हैं। भगवान विष्णु को विश्राम की जरूरत नहीं है, वो योग निद्रा में रहते हैं, लेकिन त्रिदेव के रूप में एक देवता के रूप में उन्होंने पोजीशन लिया है, तो वो भी इस लीला को करते हैं। भगवान तो वैसे योग निद्रा में रह करके सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्ण। यस जितेश, प्रणाम। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कृष्ण जी ने सारे गोपियों को छोड़ दिया, तो राधा जी को क्यों छोड़ के चले उस समय? श्रीमती राधा रानी को नहीं छोड़े, उनको साथ में लेके गए और फिर उसके बाद बीच में उनको भी छोड़ के चले गए। हाँ, तो क्योंकि भगवान जो है विरह का रस आस्वादन कराना चाहते थे गोपियों को, क्योंकि जब कृष्ण छोड़ के गए ना तभी तो इतना सुंदर गोपी गीत गोपियों ने गाया ना, जिसको आज पूरे कई सारे वैष्णव लोग पढ़ते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु का ही फेवरेट था गोपी गीत। हरे कृष्ण। एक इंटरेस्टिंग चीज है बता देता हूँ, मैं भूल गया कि सभी कृष्ण के जो दास दासियां हैं मतलब भक्त हैं, वो अपने आप को दास दासी ही मानते हैं। इसका मतलब क्या है ये भी समझना चाहिए कि इसका अर्थ यह होता है कि वो कृष्ण को स्वामी मानते हैं, यानी कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, कृष्ण को अपना भोग का विषय वस्तु नहीं मानते कि कृष्ण से हमको भोग मिलेगा आनंद मिलेगा, ये भाव नहीं रहता है। कृष्ण को हमको सुख देना है ये भाव रहता है, चाहे वो रानियां हो, गोपियां हो, माता पिता हो, उनके सखा हो, उनके दास दासी हो, कोई भी, ये सब अपने आप को हृदय में मूल रूप से दासत्व का भाव है। इसका मतलब है कि वो कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, कृष्ण से सुख की कामना नहीं करते। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति हुई भी है कि कहीं पे कोई जो है पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो कृष्ण से अपने भोग के लिए कृष्ण को अप्रोच किया, तो कृष्ण के संपर्क में आने पे वो भी शुद्ध हो गया और असली अपने पोजीशन की मैं दास दासी हूं उसमें स्थित हो गए। जैसे कुब्जा कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके वो जो है वो कृष्ण का भोग करना चाहते थे, लेकिन जैसे भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ तो पूरी तरह से शुद्ध हो गया और अपने आप को कृष्ण का दास ही समझने लग गए, यानी कृष्ण के सेवक करना है इस प्रकार से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।